एक्चुअली पहले मैं जॉब ही करती थी एज ए एच आर रिक्रूटर, पर मुझे पहले से ना अपना फूड का बिजनेस स्टार्ट करना था। मेरे दुकान का नाम है बी आर ओ पाव। तो आज मैं आ गया हूँ सूरत में और यहाँ पे मिलते हैं एक बहुत ही अतरंगी डिश। आपने वड़ा पाव बहुत खाया होगा बट यहाँ पे मिलता है उल्टा वड़ा पाव। आंटी सही बात है, यहाँ पे उल्टा वड़ा पाव मिलता है? हाँ। कैसे, क्या फर्क रहता है? मतलब ये ब्रेड मतलब में से अपन ने सर्कल्स काटे, एक ढक्कन से सर्कल काट लिया। अच्छा ऐसा। हाँ। और क्या ब्रेड में बनता है? ब्रेड में बनता है। हाँ। तो आप मदर डॉटर एक साथ काम करते हैं? क्या मेरी डॉटर ने ही सारा किया है और अभी आप उनका हाथ बढ़ा रहे हो। सबसे पहले ग्रीन चटनी जाती है, नेक्स्ट गार्लिक चिली। तो मैंने सुना आपने शुरू वड़ा पाव से किया था और हाँ। अभी बहुत सारी चीजों में अपन आगे बढ़ गए। हाँ। ये नेक्स्ट क्या डाले? गार्लिक चटनी, चीज गार्लिक चटनी। अच्छा। फिर और ये सूखी चटनी, सूखी चटनी वड़ा पाव की सान। अच्छा, तो इसमें जो वड़े का मसाला रहता है वो अपन ब्रेड के अंदर ही डाल देते हैं? नहीं नहीं, और भी अलग है कुछ? अलग है, अलग है। अच्छा। अलग है। नेक्स्ट चीज स्लाइस। हाँ। इसका प्राइस क्या रहता है? मतलब नॉर्मल जैसे एक सादा वड़ा पाव रहता है वो हर कहीं 10-15 रुपए का मिल जाता है, तो ये उल्टा वड़ा पाव है तो इसका क्या प्राइस है? ये चीज वाला 60 रुपीस का आता है और सिंगल। हाँ। और नॉर्मल सादा 40 का। अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला इसको सूरत में? लोग पसंद कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, हालांकि सबको ऐसा लगता है कि गुजराती लोगों को मीठा मीठा खाना ही पसंद है, बट ऐसा नहीं है, उनको सारी तरीके की चीजें पसंद है। हाँ। तो ऊपर चढ़ गया आलू का मसाला, इसको नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? तो ये था चीज वाला और नॉर्मल वाला। तो नेक्स्ट इसको बेसन में डालते हैं और फिर सीधा फ्राई। अच्छा, तो हालांकि पाव के बीच में वड़ा और उसका मसाला रहता है और इसमें उल्टा कर दिया, इसमें तो वड़ा नहीं है, इसमें ब्रेड के साथ ही उसका मसाला मिक्स कर दिया, तभी इसका नाम उल्टा वड़ा पाव पड़ा। रेडी, इसको कटिंग करेंगे? नहीं अभी तो प्रोसेस बाकी है। अच्छा, और प्रोसेस बाकी है, वो मेरी लड़की करेगी। अच्छा, तो मदर का काम खत्म, डॉटर का चालू। तो मेरे को आप बताइए कि ये काम शुरू करने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली पहले मैं जॉब ही करती थी एज ए एच आर रिक्रूटर। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स। या ह्यूमन रिसोर्स में, एंड आफ्टर दैट मैंने एज अ रिलेशनशिप मैनेजर भी जॉब की। अच्छा। लास्ट मेरी जॉब जब क्विट की तो, पर मुझे पहले से ना अपना फूड का बिजनेस स्टार्ट करना था, बट मुझे हेल्दी वेरियंट में जाना था। मुझे पहले से ऐसा था कि मैं कुछ हेल्दी फूड का ट्राई करूँ, बट फिर मेरे घर वाले ने बोला, मतलब जो भी सब है, मम्मी है, भाई है, या फियांसे या अभी हस्बैंड बन गए, तो वो सब बोल रहे थे कि तेरे वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा है, तो यू शुड ट्राई इट वंस। तो पहले मैंने ऐसे स्टार्ट किया एंड देन पहले तो काफी ग्रोथ मिली, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी सेकंड ब्रांच भी स्टार्ट हो गई। अरे वाह, और कितना टाइम हो गया काम चालू हुए? 2 साल। 2 साल में सेकंड ब्रांच चालू? पर दोनों जो चटनी लगाई है और उसके बाद चाट मसाला। अच्छा। क्या है वो फीका टेस्ट ना लगा, मतलब हर बाइट में फ्लेवर है। हाँ, आप अंदर से भी देख सकते हो पूरी लेयर्स अलग हो जाती हैं। तो हमारे लिए भी लगा दीजिए चीज वाले में, ऊपर से भी चीज जाता है। हाँ, ऊपर से भी चीज जाता है और अंदर भी चीज। इसका प्राइस 60। इसका 60 रुपीज़ एंड नॉर्मल वाले का 40। नॉर्मल का 40। अच्छा, तो एक बार आपका दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरे दुकान का नाम है बी आर ओ पाव। अच्छा, एंड हमारा एड्रेस है न्यू एम्पायर बिल्डिंग के सामने जी, नियर बिसाइड्स पाल आरटीओ गेट नंबर 4 एंड नियर बाय दिस पालुमरा ब्रिज। और क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग हमारी 3:00 से 9:30 तक। अच्छा, बढ़िया। तो आप कभी भी आ रही है सूरत में और आपको खाना है वड़ा पाव या उल्टा वड़ा पाव, तो आ जाना दीदी के पास, हमने भी ले लिया हमारे लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जल्दी से मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।